आज मैं बच्चों की नेपकिन आपको बता रही हूँ। देखिए ये मैंने नेपकिन बनाया है बच्चों, पुरानी शर्ट और ये सूट का कपड़ा लगाया है मैंने, और ये देखिए ये भी सूट का कपड़ा है एकदम। मैंने देखिए पहले इसमें फोम लगाया, कोई ज़रूरी नहीं कि आप फोम ही इससे बनाइए, अगर मोटा कपड़ा हो तो आप बिगड़ ही फोम के बना सकते हैं। ये लेस मेरे पास पड़ी थी, थोड़ी सी मैंने लेस लगा दी है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको लेस भी लगाइए। और ये देखिए ऊपर डोरी डालिए या ऐसे बनाइए इसको ना, 8.5 इंची लंबाई है इसकी, 8.5 इंची चौड़ाई है ना। ये कपड़ा आप पूरा सीधा लेके थोड़े से ऐसे रख के और गुलाई ले लीजिए कैंची से, थोड़ी सी गुलाई लीजिए ऊपर से, क्योंकि गले में बच्चों के फिर वो छोटा हो जाता है, ज़्यादा गुलाई ले लीजिए तो ना। और फिर इसको रख के आप थोड़ा सा कच्चा कर लीजिए कि आपकी टेढ़ी मेढ़ी में सिलाई ना आए, और फिर कच्चा करके फिर आप इसको देखिए लगाना शुरू करिए। मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से लगाइए। आप इसको ऐसे जोड़िए, पहले आप ऊपर इसको थोड़ा सा बांधने वाला छोड़ दीजिए बच्चे के, ठीक है, और आप ऐसे करके इसको ऐसे जोड़ना शुरू करिए। ये देखिए ऐसे आप जोड़ना शुरू करिए इसको, ये देखिए ये दोनों बेल्ट आपकी जोड़ने वाली आ गई, पीछे बच्चों के बांधने वाली, ये देखिए दोनों बेल्ट आ गई आपकी। ये देखिए डोरी मैंने ऊपर छोड़ दी है, अब मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये आप यहाँ से लीजिए कोने पर से बिल्कुल, मशीन का सुई का हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी उंगली ना जाए इसके अंदर। यहाँ से शुरू करें, थोड़ा सा पाइपिंग को खींच के लगाइएगा जिसमें झोल नहीं आएगा, पाइपिंग खींच खींच के लगाइए पाइपिंग से, इस तरह से गुलाई लीजिए। यहाँ से इस तरह से आप गुलाई लीजिए, ये थोड़ा सा छोड़ के लीजिएगा तो आपकी सफाई आएगी। ये देखिए इस तरह लीजिए, इसको खींचती रहिए कपड़े को, ये देखिए कपड़े को खींचती रहिए, ये इस तरह से थोड़ा उठाइए और फिर लगाइए। फिर इसको पकड़िए उंगली से, उंगली का ध्यान रखिएगा, इसको चलाती रहिए, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर करके लगाइए, क्योंकि पलटते समय आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप थोड़ा सा खींच के लगा देंगे। आप ध्यान रखिएगा 8.5 लंबाई, 8.5 ही चौड़ाई लेंगी आप, तो थोड़ा सा ऊपर से कटिंग करिए, फिर सुई को उठाइए ऐसे, कपड़ा देखिए दबने लगा था, फिर इसको चलाइए, फिर इसको उठा के ऐसे लगाइए, इसका ध्यान रखिए लास्ट से लेस का कि लेस पलट ना जाए। ये तो मेरे पास एक टुकड़ा लेस का पड़ा था, वो मैंने लगा दिया, कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे ही बहुत सुंदर लगता है। कोना लीजिए, ये डोरी मैंने बच्चों के बांधने के लिए छोड़ दी है, डोरी बच्चों के गले में बांधने के लिए है। अब इसको ऊपर उठा के कैंची से काटिए, खींचिए नहीं, खींचने से खुलने का डर रहता है। ये देखिए अब आप इसको ऐसे लीजिए, पहले नखून से ऐसे कर लीजिए ज़रा सा, ये आपकी सफाई आ जाएगी, ये ऐसे लीजिए, इसको लगाते रहिए। ये धागे का ध्यान रखिए, अगर ज़्यादा टाइट है तो उसको ढीला करिए, अगर ढीला है तो उसको खींच के सही है। आप उसको ऐसे करके नखून से थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए और मशीन चलाते रहिए। बिल्कुल रेडीमेड, ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा है तो कैंची से काट दीजिए ऐसे करके, ये देखिए कैंची से काट के इसको निकाल दीजिए, इसको ऐसे करके नखून जरूर लगा लीजिए, बराबर आ जाता है नखून से।
ये आपका नेटिंग तैयार है। जितना भी आप बढ़िया तरीके से एकदम कुछ भी इस पर लगाना चाहें आप लगा सकती हैं। बच्चों के नेपकिन में सब कुछ अच्छा लगता है ना? ये सब कुछ, ये तो धागे बाद में खोल दीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आपको तो इसको कटिंग कर दीजिए, ये कपड़ा हटा दीजिए। ये बच्चों का नेपकिन तैयार हो गया है ना? धागा खोल खींच के फाड़ दीजिए। ये मैंने कच्चा धागा इसलिए डाला था कि जो फोम है ये फिसल ना जाए। ये देखिए, ये पुराने कपड़े से ही बना है ना, ये पुराने कपड़े से ही बना है ना। ये देखिए, एक नेपकिन तैयार हो गया। अब आप देखिए आपको क्या चीज़ पसंद आती है, आप मुझे बताइए कि मुझे ये पसंद आया, फिर मैं और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को बता सकती हूँ। ये कीजिए आप, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे थोड़ा सा बताइए कि मैं क्या चीज़ बनाऊँ, क्या चीज़ आप लोगों को पसंद आएगा, आप ज़रूर बताइएगा।